रखने वाला हमारा परमेश्वर, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा।
वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमें कभी नहीं धोखा देता। ये संसार हमें धोखा देती है, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा यहोवा हमें कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज उस यहोवा के हुजूरी में है आप। आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आज उस यहोवा राफा को अगर आप बुलाएंगे तो वो आज आपकी बीमारी की अवस्था में उतर आएगा, आपकी बीमारी को वो चंगा करेगा। अगर आप पराजित अवस्था में है, आपको लग रहा जीवन में सिर्फ निराशा है, कि आप जीवन में सिर्फ अकेलापन महसूस करें, वो यहोवा आपकी आशा बनकर आपके हुजूरी में आपके साथ उतर आएगा। आपको सिर्फ उसके नाम को पुकारना है, उसका नाम है यीशु, वो यहोवा है। वो हमारी हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य करता है। उसने हमारे पापों को लिया 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर, आपके और मेरे पाप को उसने क्रूस पर उसने ले लिया, वो मारा गया और क्रूस से धोया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। तो अगर आज आपको लगता है कि आप उस प्रेम के लायक नहीं, तो भी पुकारिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। ऐसा कोई पाप नहीं जो उसको आपसे दूर कर सकता है, क्योंकि उसने उसे ऑलरेडी आपको माफ कर चुका है वो। तो आइए समर्पण के साथ हाथों को उठाते हुए उसके हुजूरी में आइए और उस यहवे को पुकारिए, क्योंकि वो उतर आएगा आपकी एक पुकार पर, वो उतर आएगा। खुद हासिल होगा वो, ढूंढो उसको, खुद हासिल होगा वो, पुकारो उसको, खुद हासिल होगा वो। सराहो उसको, खुद हासिल होगा वो, ढूंढो उसको, खुद हासिल होगा वो, पुकारो उसको, खुद हासिल होगा वो। सराहो उसको, खुद हासिल होगा वो, ढूंढो उसको, खुद हासिल होगा वो।